सो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी कतल केस मामले दे विच इक वड्डी अपडेट निकल के सामने आई है। जदों वोटां दा समां सी, जिस समय वोटां दे लई सारे प्रचार कर रहे सन, तां सिद्धू मूसेवाला जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीती सी। उहनां दी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करन तों बाद मनमोहन मोणा ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीती। जिवें कि तुसीं फोटोआं दे विच देख रहे हो कि राजा वडिंग दे वल्लों मनमोहन मोणा नूं कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल कीता जा रिहा है। सो दोस्तों, कहा जा रहा है कि मनमोहन मोणा वालों विधानसभा दीआं वोटां दौरान सिद्धू मूसेवाला दी रेकी कीती गई सी। उह सारा दस रहे सन कि सिद्धू मूसेवाला जी किस समय किधर जांदे हन। इस दे नाल ही चार बंदे उहनां दे घर भी आ के रुके सन, अते इह चार बंदे सिद्धू मूसेवाला दे कतल केस दे विच शामिल सन। सो दोस्तों, आप जी नूं दस दईए कि मनमोहन मोणा नूं प्रोडक्शन वारंट लै के पुलिस वल्लों जो है हिरासत विच लै लिया गया है, अते उहनां नूं मानसा कोर्ट दे विच पेश कीता गया है, जिस तों बाद उन्हों का मैडिकल कराने उपरंत उन्होंने खरड़ कोर्ट के पेश किया जाएगा तो उन्होंने सवाल जवाब किए जाएंगे। इस ही दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई संबंधी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई हुण मानसा लियाया जाएगा तो उन्होंने मानसा की कोर्ट के पेश किया जाएगा। इस भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो रिमांड है उसनों बधाया जा सकता है। दोस्तों, सूत्रों तो मिली खबरों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला के माता पिता मिलेंगे अते उन्हां दे नाल गलबात करनगे अते जो गलबात उन्हां दे मनां दे विच हन, जो उन्हां दे मनां च सवाल हन, वह सारे सवाल लॉरेंस बिश्नोई तो पुछणगे। दोस्तों, इस बारे में हले तक कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है, ये वाली खबरां जो हन सूत्रों के हवाले तो मिली हैं। सो दोस्तों, कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो रिमांड है उसनों बधाया जा सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वालों कोई भी हले तक वड्डा खुलासा नहीं किया गया है। सो दोस्तों, ये सन अज दीआं वड्डीआं अपडेट्स। होर अपडेट्स लैण लई चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। अते दोस्तों, तुहाडा इस बारे में की कहना है कि सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता नूं लॉरेंस बिश्नोई नाल मुलाकात करनी चाहीदी है जां नहीं, कमेंट बॉक्स लिख के जरूर दसना जी। दोस्तों, होर अपडेट्स लैण लई चैनल नाल बने रहना जी। धन्यवाद।